मैं इमरान खान साहब, मैडम जरताज गुल की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतनी एफर्ट्स की और आज उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है अंडर CSR, जिसमें हम लोगों ने स्कूल्स में सोलर पैनल्स लगवाए, हम लोगों ने फर्नीचर प्रोवाइड किया, हम लोगों ने डिफरेंट फैसिलिटीज़ उनको दी। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का आगाज़ किया तो नेशनल बैंक वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि बीइंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हम लोगों पे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम गवर्नमेंट के विजन को सपोर्ट करें। हम लोगों ने KPK में तकरीबन 122,000 डिफरेंट प्लांट्स लगाए हैं, जिसमें फ्रूट प्लांट्स भी हैं और डिफरेंट अदर स्पीशीज़ के प्लांट्स भी हैं। नॉर्मली ये होता था कि लोग इसी तरह डिफरेंट जगहों पे प्लांट्स लगा लेते थे, उनका ख्याल भी नहीं रखा जाता था। तो नेशनल बैंक ने फिर गवर्नर KPK के साथ मिलके गवर्नर फ्रूट फॉर ऑल प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसमें गवर्नर साहब वॉज काइंड इनफ, उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उसमें इन्वॉल्व किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ऐड किया। उसमें हम लोग इंस्टीट्यूशंस से रिक्वेस्ट लेते थे, एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट जाता था वहाँ पे, उसकी सॉइल की, उसकी वाटर की ये सारी सूरत हाल जान के उसके बाद हमें प्लांट्स की रिक्वेस्ट आती थी एंड देन वी वुड प्रोवाइड देम। सेम सिचुएशन NHA की भी थी, NHA वांटेड टू प्लांट डिफरेंट प्लांट्स इन ऑन मोटरवेज, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसमें ऑर्चिड्स लगाते थे और लीनियर प्लांटेशन नहीं करते थे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड कैप्टन मुश्ताक साहब अप्रोच अस के वी वांट टू प्लांट डिफरेंट प्लांट्स, स्पेशली ऑलिव, तो काइंडली आप हमें सपोर्ट करें। इन दैट सपोर्ट वी आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग लाइक 1.8 मिलियन फॉर 11,000 ऑलिव प्लांट्स एंड आई एम होपफुल के इसको जो है प्रॉपर तरीके से उसका ख्याल रखा जाएगा ताकि इन फ्यूचर हम लोग जो है आपके साथ डिफरेंट किस्म के और MOU साइन कर सकें। जी थैंक यू। मौजूद खबरतीन हजरात, हम खुश आमदीद कहते हैं वज़ीर आज़म के मशीर बराए मौसमियाती तब्दीली जनाब मलिक अमीन असलम, जो कि तशरीफ़ ला चुके हैं, और फेडरल सेक्रेटरी मवासलात और पोस्टल सर्विस जनाब जवाद रफीक मलिक, आप तमाम मेहमान ने ग्रामी को वजारत मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर मोहतरमा जरताज गुल साहबा से कि अपने ख्यालात से नवाजा। बहुत ही डायनामिक और बहुत ही बोल्ड और बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने कम्युनिकेशन में, पोस्टल सर्विसेज में, अपनी मिनिस्ट्री में, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ड्रास्टिक चेंज अगर अपनी मिनिस्ट्री में लेकर आए, इमरान सईद का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को अपने साथ हमेशा क्लीन ग्रीन में पार्टनर रखा, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। NHA का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि NHA के साथ हमारी मिनिस्ट्री ने खुद एक MOU मुराद सईद के साथ साइन किया हुआ है अपनी शाहरा, जिसमें हम तमाम मोटरवेज और हाई वेज को ग्रीन करना चाहते हैं। मलिक अमीन साहब बैठे हुए एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, और मैं नेशनल बैंक का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अभी उनकी स्पोक्स पर्सन ने आपसे अपनी डिटेल्स शेयर की और आज ये जो सेरेमनी हो रही है, जो MOU साइन हुआ है बिटवीन NHA एंड नेशनल बैंक, ये भी आई थिंक इट्सेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे बैंक सेक्टर अपने CSR के थ्रू इस तरह के ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आई थिंक आप पायनियर हैं, आप आगे इंशाल्लाह मज़ीद आपको देखे मज़ीद बैंक और मज़ीद कॉरपोरेट सेक्टर, सेमी कॉरपोरेट इंशाल्लाह आपको देखे एग्जाम्पल और लीड बाई द एग्जाम्पल आपसे लेंगे और इंशाल्लाह वो भी इस काम में हिस्सा लेंगे। मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं मीडिया का हमेशा कहती हूँ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, बिलियन ट्री सुनामी, या हमारा प्लास्टिक बैग्स का बैन, पॉलीथीन का बैग, ये जितना भी ग्रीन विजन है, मैं समझती हूँ कि ये जब तक मीडिया इसको पोर्ट्रे नहीं करता, रेप्लिकेट नहीं करता, जब तक ये हमारी मैसेजिंग बिलियंस तक नहीं जाती, तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। सो मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन्स को, मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे लोगों तक फैलाया है। अभी क्लाइमेट चेंज का तो पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है ही। जो लेटेस्ट इंडेक्स आई है उसके अंदर पाकिस्तान नंबर 5 से लेकर 8 तक में फॉल करता है रिस्क इंडेक्स में। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल प्रेसिडेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया को कल उन्होंने एक लेटर लिखा है
जिसमें उन्होंने सपोर्ट और कंडोलेंसेस किए जो बुश फायर ऑस्ट्रेलिया के अंदर 50 लाख से ज़्यादा स्पीशीज फ्लोरा एंड फौना बिल्कुल इंस्टिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए हैं वहाँ पे। और ये 3 महीने से ज़्यादा वहाँ पे आग जल रही थी। और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का अगर आप देखें तो हमारी तरह ही उनका क्लाइमेट है। तो मौसमियाती तब्दीली इस वक्त एक अनट्रेडिशनल थ्रेट है। दुनिया को ये समझना चाहिए कि जंगें हम बहुत सारी लड़ते हैं सरहदों के ऊपर, लेकिन ये जो जंग अनट्रेडिशनल जंग हमारे ऊपर इस वक्त मुसलत है, शायद उसका इतना अंदाज़ा हमें नहीं हो रहा। उसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कश्मीर वैली, नीलम वैली गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले उसका दौरा करूँगा। आपको शायद अंदाज़ा है कि ये 2 दिन के अंदर 67 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, बर्फ़ानी तोदे गिरने से, बर्फ़ानी तूफान की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से। सड़कें NHS बिल्कुल बंद हो गई हैं। कोयटा में अगर आप देखें, अगर आप आगे पूरा बलूचिस्तान देखें, इस वक्त क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टन है कि समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे बड़े कहा करते थे कब उस तरह की सर्दियां नहीं पड़ी। लेकिन आप देखें कि सख्त इस्लामाबाद के लोगों को भी माइनस में इस वक्त जो है सेंटीग्रेड जा रहा है, सख्त फ्रीजिंग सर्दी है। और तूफान है इस वक्त बलूचिस्तान में, और रेस्क्यू NDMA कर रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हुक्म है। मैं सिर्फ बताना आपको ये चाहती हूँ कि क्लाइमेट चेंज को अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये इस वक्त पाकिस्तान को और दुनिया को सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का है इस वक्त इशू। इंसानी जानें भी ज़ाया हो रही हैं, हमारी फ्लोरा एंड फौना भी बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। और ज़हनी तौर पर अब हमें प्रैक्टिकली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब हमने इससे कॉप कैसे करना है। 50 साल के बाद किसी ने ये याद नहीं रखना कि किसकी हुकूमत होनी है, कौन मिनिस्टर था, कौन प्राइम मिनिस्टर था। लेकिन आने वाले नस्लों के लिए, सेफ पाकिस्तान के लिए, ज़रूर कोई ये याद रखेगा कि डिज़ास्टर फ्री पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज रेजिस्टर। तो हमें क्लाइमेटाइज हो जाना चाहिए। अब हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में क्लाइमेट इमरजेंसी है इस वक्त। तो उसमें अगर कोई किसी विजनरी शख्स को, लीडर को याद रखेगा, तो उसमें सिर्फ लीडरशिप ही काम आती है। वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लोग ज़रूर याद रखेंगे, हमारी आने वाली नस्लें, कि उन्होंने 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की कोई पॉलिसी नहीं दी। सिर्फ डिज़ास्टर से निमटना, तो वो तो वक्ती रेस्क्यू, तो ऑपरेशन तो इस वक्त भी चल रहा है अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आने वाले नस्लों के लिए, पाकिस्तान को क्लाइमेटी और डिज़ास्टर फ्री पाकिस्तान बनाने के लिए अगर कोई विजनरी लीडर है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी जो NHA कर रहा है, आप लोग ये बात याद रखिएगा, दरख्त पौधे हम हर जगह लगाते हैं। अर्बन प्लांटेशन 10 बिलियन ट्री सुनामी का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हमारे जो शहर है वो इस वक्त बिल्कुल कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। इसमें कोई दरख्त हमारे पास नहीं है, सायादार हमारे पास कोई दरख्त नहीं है। और NHA या जो हाईवेज होते हैं, यह बात याद रखिए कि सबसे एक्सपेंसिव है कि इस पर आप एक पौधा शहर या घर में या स्कूल में जो लगाते हैं, वो आप जब हाईवेज और मोटर्स पे वेज पे लगाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मनी कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि आप पानी की टैंकी कहाँ से आएगी, उसके लिए माली कहाँ से आएगा, उसकी केयर टेक कौन करेगा, तो ये सबसे मुश्किल है। मैं समझती हूँ कि उसको NHA ने मुराद सईद की लीडरशिप के अंदर NHAs को जो हमारे साथ ग्रीन हाईवेज या ग्रीन मोटरवेज बनाने का जो जिम्मा लिया है, और स्पेशली ये मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि अभी जो ये कॉम्पोनेंट रखा है हमारे नेशनल बैंक में, इसमें ऑलिव प्लांट्स लगा रहे हैं। ऑलिव प्लांट्स सबसे एक्सपेंसिव है, इसका ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा सेहत के लिए सबसे ज़्यादा, ये जिसको आप कह सकते हैं कि बाकी तमाम ऑयल के मुकाबले में ये सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल है, इसको आप कह सकते हैं कि सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ये अच्छा है और एक्सपेंसिव प्लांट है। इसके केयर टेक की बड़ी ज़रूरत होती है। हमारे बिलियन ट्री सुनामी में फ्रूट प्लांटेशन, इससे आपके पास इकोनॉमी भी अपग्रेड होगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और फलदार दरख्त, सायादार दरख्त, मैं समझती हूँ कि उसका बहुत बड़ा वैसे भी सवाब है, तो हमने लोगों को अपग्रेड भी करना है। तो नेशनल बैंक का भी शुक्रिया कि उन्होंने जो कंपोनेंट रखा है वो उन्होंने बेसिकली फ्रूट प्लांटेशन के ऊपर रखा है। तो ऑयल, ऑलिव ऑयल का इटसेल्फ प्लांट बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी केयर टेक बड़ी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने यह टास्क लिया है। तो मैं इस पे ऊपर मुझे इंतहाई खुशी है। 28 लाख पौधे नेशनल बैंक अपनी CSR के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ वैसे भी लगा रहा है। एक पार्ट यही है कि हमने अपने NHAs को, क्योंकि आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में 47% जो पोल्यूशन है या जो स्मोक भी इस वक्त है, वो बेसिकली हमारी गाड़ियों के एमिशंस की वजह से।
और गाड़ियों के लिए आपको अगर अपने फिल्टर बैग्स चाहिए, अगर आपको अपनी आलूदगी कम करने के लिए कोई आपको शेल्टर मिल सकता है तो वो एनएचएस और हाईवेज के ऊपर दरख्त ही हो सकते हैं जो उसकी पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को भी एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी करते हैं, पोल्यूशन को भी करते हैं। स्मोग इमरजेंसी मैं समझती हूँ कि हमें लगानी चाहिए, लाहौर में, कराची में भी हमें इमरजेंसी लगानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदगी और आलूदगी हमारी ब्लू इकानमी को तबाह बर्बाद कर रही है। हमें ज्यारत में, नीलम वैली में भी हमें पार्शल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सख्त मुश्किल हालात हैं। नीलम वैली का मुझे और पाकिस्तान में तमाम कीमती जानों के ज़िया का बहुत अफसोस है। हम अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह एनर्जी एफिशिएंट स्टोव उनके लिए लेकर आ रहे हैं, आई होप कि कोई इससे बेहतरी आएगी। वंस अगेन कि हमने पाकिस्तान को क्लीन ग्रीन बनाना है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये विजन नहीं है, मेरा और आपका भी ये पाकिस्तान है। हम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान बिहेवियर मूवमेंट है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये गलियां हमारी हैं, ये सड़कें हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, हमने इसकी ओनरशिप लेनी है। अकेले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज या मुराद सीद या एनएचए नहीं कर सकता। हर शख्स ने अपना हिस्सा डालना है ताकि आगे हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्लीन ग्रीन पाकिस्तान हमें मिले। बहुत वंस अगेन थैंक यू मुराद सीद, थैंक यू एनएचए, थैंक यू नेशनल बैंक, मेरी पूरी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज अमीन साहब यहाँ पे मौजूद है, मीडिया भी मौजूद है, आप सबका, आपकी पूरी मिनिस्टर का, तमाम लोगों का जिन्होंने ये एफर्ट्स की क्लीन ग्रीन पाकिस्तान में। बेसिकली मुराद सईद आप हमारी मिनिस्ट्री का काम करें, सो थैंक यू कि आप हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख्यालात का इजहार फरमा रही थी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। अब इल्तिमास है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली जनाब मलिक अमीन असलम से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम ख्वातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम। आज मुझे यहाँ पर आकर बड़ी खुशी है क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज जो मॉडल यहाँ पर बनाया गया है जिसके अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, एनएचए और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज मिलकर एक इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विज़न है पाकिस्तान के मुतालिक उसका एक अहम सतून है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान कि हमने अगले 5 साल में कैसा पाकिस्तान छोड़ के जाना है, वो इसका एक बड़ा अहम जुज़व है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो हमारे 5 नुकात हैं मेन जिस पे ऊपर हमारी मिनिस्ट्री काम कर रही है उसमें सबसे अहम नुक्ता ये है कि हमने इस मुल्क में दरख्त लगाने हैं। दरख्त लगाना वैसे तो सदका जारिया भी है, सवाब का काम है और एक ऐसा काम है कि जिसका सवाब आपको कब्र में भी मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अहम तरीन ममालिक में शामिल है जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। इसका अगर आप सोचें इस चीज़ को तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारे से दूर है, बल्कि ये आजकल हमारी ज़िंदगियों में हमें अपने सामने नज़र आ रही है। आज का इसी हफ्ते का आप मौसम देख लें तो इस मौसम में आप देखें तो इतनी ज़्यादा ठंड पाकिस्तान में पहले कभी भी नहीं पड़ी। रिवर इंडस जो कि स्कर्दू के पास से आ रहा है वहाँ पर इस वक्त फ्रीज हो चुका है पूरा इंडस रिवर, और ये एक बड़ा फ्रीक वेदर है। और जिस तरह दुनिया के अंदर ये मौसमियाती तब्दीली आ रही है पाकिस्तान के अंदर भी आ रही है, और इसके बड़े अहम असरात हैं हमारी आने वाले जनरेशन्स के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए। और इसका जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही है कि हम अपने दरख्त लगाएँ, क्योंकि दरख्त लगाने से आप अपनी माइक्रो क्लाइमेट को भी चेंज करते हैं और दरख्त लगाने से आप मुल्क को उन तमाम असरात से जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं उससे अपने आप मुल्क को आप बचा लेते हैं। तो इसलिए ये जो विज़न है 10 बिलियन ट्री सुनामी का, ये केपी की गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था जब वहाँ पर बिलियन ट्री का ख्वाब इमरान खान साहब ने देखा और फिर उसको पूरा करके दिखाया। हमारी सारी टीम ने उधर मेहनत की और एक ऐसी चीज़ करके दिखाई जो कि दुनिया में पहले कहीं नहीं हुई थी और सबसे ज़्यादा स्पीड पर करके दिखाई। और उसके बाद ये इतना अहम मंसूबा था कि इसको दुनिया में सराहा भी गया और दुनिया में इसको फॉलो भी किया गया। अभी मैं जब स्पेन गया हुआ था कॉप मीटिंग पे तो वहाँ पर इंग्लैंड की गवर्नमेंट, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट, पेरू की गवर्नमेंट, इन तमाम ने बिलियन ट्री मंसूबे स्टार्ट किए और उनके मिनिस्टर्स ने आके हमें कहा कि जी हमने आपके मनसूबे को देख कर अपने मुल्कों में इन मनसूबों को स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में इसमें ना सिर्फ पहल की है बल्कि अब पाकिस्तान जो 10 अरब का ख्वाब देख रहा है वो मुमकिन नहीं कि हुकूमत खुद कर ले, उसके लिए ज़रूरी है कि सारा पाकिस्तान शामिल हो, सारे डिपार्टमेंट साहब शामिल हों। और इसलिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुराद सईद साहब का जिन्होंने हमेशा इनिशिएटिव जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर के विज़न के मुताबिक लिया है,
چاہے ہماری کلینلینس کی ڈرائیو ہو، درخت لگانے کی ڈرائیو ہو، اور خصوصاً این ایچ اے کو انہوں نے انرجائز کیا ہے کہ وہ اس چیز میں پہل کرے. اس سے پہلے بھی میں ایک پلانٹیشن سیریمنی جی ٹی روڈ پر ہم نے کی تھی، وہ بھی این ایچ اے کے تھرو وہاں پر جی ٹی روڈ کے ساتھ لگایا گیا تھا. اور آج نیشنل بینک آف پاکستان جو کہ ہمارا مین بینک ہے، وہ مل کر اولے پلانٹیشن کر رہے ہیں ایم ون کے اوپر. تو یہ ایک آئی تھنک بڑا اہم قدم ہے. ہماری منسٹری بھی اولے پلانٹیشن کی اس 10 بلین ٹری کے خواب کے اندر 5 کروڑ ہم اولے پلانٹس لگا رہے ہیں، اور وہ 5 کروڑ اولے پلانٹس آپ کے پنجاب کے اسپیشلی پوٹوہار ریجن میں، بلوچستان کے کچھ ڈسٹرکٹس میں، اور کے پی کے اسپیشلی فاٹا کے ریجن میں لگائے جائیں گے. تو انشاءاللہ اس سے نہ صرف آپ کو روزگار ملے گا، کیونکہ اولے پلانٹ سے ایک بہت اچھا ایک نیا ورائٹی ڈیولپ ہوئی ہے جو کہ چکوال میں انہوں نے ڈیولپ کی ہے، کہ جو اٹیلین اولیو ہے وہ 5 سال میں یا 6 سال میں ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ جو اولیو چکوال میں انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، میں خود وہاں پہ وزٹ کیا تھا، یہ 3 سال میں پھل دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ 100 سال سے زیادہ زندہ رہتا ہے پلانٹ. تو ایک بہت اچھا ذریعہ ہوگا یہ انکم کا لوگوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو درخت چاہیے وہ بھی ہمیں مل جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا عظیم ویژن ہے، اس کے لیے ہم سب لوگ کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، پاکستان کی ضرورت بھی ہے، اور آنے والے نسلوں کے لیے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے ہمارا ایک تحفہ بھی ہے. تو اس میں آپ سب لوگ شامل ہوں. اور آخر میں پھر این ایچ اے کا اور نیشنل بینک آف پاکستان کا خصوصاً شکریہ ادا کروں گا، اور مراد سعید صاحب کا جنہوں نے ایک لیڈرشپ رول لے کر اس کے اندر اس چیز کو ممکن بنایا ہے. بڑی مہربانی. نظر کروں گا اور بعد میں ان کو بلاؤں گا کہ ہم اپنی شاہراہوں کو درختوں سے سجائیں گے، ہم اپنی شاہراہوں کو درختوں سے سجائیں گے، سہانے موسموں کو ساتھ لے کر گنگنائیں گے، زمین کے چپے چپے پر نئے پودے اگائیں گے کہ زندہ قوم ہیں ہم، ساری دنیا کو بتائیں گے. آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں جناب مراد سعید، وفاقی وزیر برائے مواصلات اور پوسٹل سروسز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے. زرتاج گل صاحبہ، وزیر مملکت کلائمیٹ چین، ملک امین اسلم صاحب، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن کلائمیٹ چین، سیکرٹری صاحب، چیئرمین صاحب، پورے این ایچ اے کی ٹیم کو اور نیشنل بینک کے جن کے ساتھ آج ایم او یو ہوا این ایچ اے کا اولیو پلانٹس اپنی شاہراہوں کے اوپر لگانے کا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب جب حکومت بنی تو 4-5 ان کے جو فلیگ شپ پروگرام ہے اس میں 1 بلین ٹری سونامی جو کہ خیبر پختونخوا سے آغاز ہوا تھا اور پوری دنیا نے اس کو سرا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ سیاستدان آنے والے الیکشن کا سوچتا ہے اور لیڈر آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے. اس وقت عمران خان نے پلانٹیشن کے اوپر توجہ دی جس کی طرف کسی کا بھی خیال نہیں تھا، اور کلائمیٹ چینج ایک چیلنج ہے. اس کو پرائم منسٹر صاحب نے، ان کو علم تھا، ان کی ایک ویژن تھی، اس سوچ کو ہم لے کے گئے. اور جب حکومت یہاں پہ بنی وفاق میں تو جو 4-5 بڑے پروگرامات ہے اس میں سے ایک ہمارا کلین اینڈ گرین پاکستان ہے. کلائمیٹ چینج منسٹری اس کے اوپر بہترین کام کر رہی ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی لے کے آ رہی ہے، پریکٹیکل کام بھی ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے پالیسیز بھی بن رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک کمپین یہ چلا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں پالیسیز اور قانون سازی کر کے بھی مستقبل کے لیے بھی یہ ایک اچھا اقدام کر رہے ہیں. این ایچ اے کا کام ظاہر سی بات ہے سڑک بنانا ہے، لیکن اپنی سڑکوں کو خوبصورت، محفوظ اور اس میں پلانٹیشن کر کے ہم اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے. تو یہ ہماری ایک کنٹریبیوشن ہے، ہم نے پہلے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس سے پہلے بھی اگر آپ پرائم منسٹر کا 100 ڈیز کمپین دیکھے تو اس میں این ایچ اے نے کلائمیٹ چینج منسٹری کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ رہے اور اس میں کنٹریبیوٹ کیا. ابھی بھی ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی ان کی فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کی جو ہماری منسٹری ہے ٹوریزم کی، ان کے ساتھ بھی ہم لگے ہوئے ہیں. میں اب جو باقی چیزیں ہیں این ایچ اے کے حوالے سے، ظاہری سی بات ہے کہ این ایچ اے کے آڈیٹوریم میں ہم بیٹھے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے جو 4-5 پروگرامات دیے تھے، ایک تھا کلین اینڈ گرین پاکستان، دوسرا تھا کامیاب جوان،
تیسرا تھا احساس پروگرام، چوتھا کہ اپنے ادارے، جو کہ آپ کو پتہ ہے بار بار ہم اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پرانی باتیں بھول جائے، ہم کسی کو بھولنے نہیں دیں گے، کیونکہ جو پاکستان آپ لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے ہم نے وہی سے آغاز کیا، اور انشاءاللہ جب پرائم منسٹر عمران خان کے 5 سال کمپلیٹ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو 24,000 ارب آپ نے قرضہ لیا تھا، ملک کے تمام ادارے خسارے میں آپ چھوڑ کے گئے تھے، ملک کی تمام شاہراہیں، تمام ایئرپورٹ، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ، یہ آپ نے گروی کر کے چھوڑی تھی اور ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب چھوڑ کے گئے تھے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور پروگرام دیا کہ ہم نے اپنی اداروں کو خسارے سے نکال کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کی ادارے خسارے میں، اگر آپ بجلی قیمت میں 1,250 ارب گردشی قرضہ چھوڑ کے جاتے ہو، اگر آپ گیس قیمت میں 250-300 ارب قرضہ چھوڑ کے جاتے ہو، تو یہ پیسہ تو کسی سے عوام سے آپ نے پھر کلیکٹ کرنا ہے، لیکن اداروں کا اگر خسارے سے نکال دو گے تو یہی پیسہ عوام کی صحت، تعلیم، علاج، صاف پانی، ان چیزوں کے اوپر لگنا ہے۔ میں انہیں چیک کی ہمیشہ بات کرتا ہوں، اپنی ٹیم کو آج ایک مرتبہ پھر اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے 100 ڈیز ٹارگیٹ رکھے تھے، پھر 1 سال کے ٹارگیٹ رکھے، اور ابھی اس فائنینشیل ایئر کے ہم نے کچھ ٹارگیٹ رکھے ہیں۔ پہلے سال ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ این ایچ اے اپنا ریوینیو بڑھا کے 35 بلین تک لے کے جائے گا، لیکن ہم الحمدللہ اس کو 42 ارب تک لے کے گئے تھے، اور ابھی ہمارا ٹارگیٹ تھا 55 بلین، اس کو ہم نے ریوائز کیا، اس سال ہم نے 60 بلین تک انشاءاللہ اس کو لے کے جانا ہے۔ ابھی تک ہمارے 16 مہینے کے اندر 25 ارب 80 کروڑ این ایچ اے کی ریوینیو میں اضافہ ہو چکا ہے، 11 ارب 90 کروڑ ہم ریکوری کر چکے ہیں۔ پرائم منسٹر کی ویژن کے مطابق جو پاکستان کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ اس سال شروع ہونے جا رہے 2 مہینے بعد حیدرآباد سکر، وہ بھی اسی منسٹری کے انڈر ہوگا انشاءاللہ، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہوگا۔ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہمارے پاس تھے وہ ہم نے ٹائملی کمپلیٹ کر لیے، اور مغربی روٹ کا ہم نے آغاز کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ادارے کے اندر بہترین گورننس کے ذریعے یہاں پہ میرٹ کے لیے جو کوششیں کی گئی، جو ای ٹینڈرنگ یا ای بلنگ کی طرف ہم گئے، تو یہ ایک آغاز تھا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی ویژن تھی، ان کی سوچ تھی کہ ہم نے اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے، ہمارا کیا ویژن ہے، میں ہمیشہ اپنی منسٹری کو کہتا ہوں، این ایچ اے کو کہتا ہوں کہ 100 بلین ہمارا ٹارگیٹ ہے 5 سال میں، کہ ہم نے جو آخری سال انشاءاللہ ہمارا ہوگا اس میں ہم نے 100 بلین کا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ ماضی میں جتنی سڑکیں بنتی تھی سال کے اندر، جو بجٹ ایلوکیشن ہوتی تھی، وہ بجٹ ایلوکیشن نہ ہو، این ایچ اے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور وہ خود اپنے پیسے لوگوں کے لیے سڑکیں بنائے، تو یہ ہمارا ویژن ہے، اور جو ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اچیو کریں گے۔ میں دوسری چیزوں کے اوپر بھی بات کروں گا، کلائمیٹ چینج کے پاس جو پرائم منسٹر کا ایک کلین اینڈ گرین پاکستان پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر کامیابی سے جاری ہے، یہ بھی پرائم منسٹر کے پہلے جو 5 بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں سے ایک ہے، ہم سب نے مل کر اس کو کامیاب بنانا ہے، جہاں پہ اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، آپ گھر گھر جا کے میڈیا کے تو اس میں اپنا حصہ ڈال کے یہ کمپین کرے، کیونکہ ہم نے اس سے تو آپ کی شاہراہ بھی خوبصورت لگے گی، ہم نے اپنے ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کو سفر محفوظ بنانے کے لیے آپ کو بہترین سڑک پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہم وہاں پہ پلانٹیشن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی کیا ذمہ داری کہ اپنے سڑکوں کو صاف رکھنے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، کسی نے شیشہ نیچے کیا اور جو گاڑی میں کیا ہے وہ سڑک کے اوپر پھینک دیا، اس عادت کو ہم نے بدلنا ہے، کیونکہ اس کے ایک ایک انچ کو، اس پاک سرزمین کے ایک ایک انچ کو ہم نے اون کرنا ہے، تو اس پروجیکٹ میں ہم بھرپور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا پرائم منسٹر صاحب کے بڑا پروجیکٹ کامیاب جوان، 100 بلین کا پروجیکٹ ہے، جس کے اندر ہم نے نوجوانوں کو ہنر بھی سکھانا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہنر مند پاکستان کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے ایک پروگرام کا آغاز کیا، ہنر مند پاکستان کا مطلب کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہے، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور ان کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کرنے، اور نوجوانوں کو قرضے بھی اس انداز سے دینے کہ وہ بجائے وہ خود اپنا کاروبار شروع کر کے اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کا گھر بھی آباد کرے اور ان کو بھی نوکریاں دے سکے، تو ایک یہ پروجیکٹ ہے۔ اور ایک پروجیکٹ جہاں پہ، کیونکہ میں جب بھی اپنی منسٹری کے حوالے سے پروگرام ہوتا ہے میں اس کے اوپر ہمیشہ بات کرتا ہوں، وہ ہے پرائم منسٹر کا احساس پروگرام، کیونکہ یہ ہم سب کے، ہم پاکستانیوں کے دل کے قریب ہے۔ ہمارے پاکستان میں اگر کوئی چیز لیک کرتی تھی، حکمران آپ نے دیکھا کہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہاں پہ بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، 5-5 کیمپ آفیسز رکھے تھے،
एक एक विजिट के ऊपर करोड़ों रुपए पाकिस्तान का लगाते थे, यहां पे एक एक वजीर आजम हाउस का 92 करोड़ तक बजट लेके जाते थे और कैंप ऑफिस रख के 2500 से ज्यादा पुलिस एहलकार अपनी सिक्योरिटी के ऊपर रखते थे। लेकिन जो मेरे पाकिस्तानी सड़कों पर सोते थे उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं था। रियासत मदीना की जब हम बात करते हैं तो रियासत मदीना की बुनियाद इंसाफ के ऊपर रखी गई थी, उसमें एहसास था, रहम था, और उसी एहसास और रहम को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एहसास प्रोग्राम का आगाज किया। मैं आपको बताना चलूं पाकिस्तानी, और आपको भी खुशी होगी क्योंकि आप भी इसी सोसाइटी से हैं, इसी मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में जब रात को आप निकलते थे तो सड़कों पे हमारा मजदूर, हमारा जो लोग नौकरी की तलाश में बड़े शहरों का रुख करते थे, वो सड़कों पे सोते थे। उनको सड़कों से किसी ने उठाने के लिए, उनको छत मुहैया करने के लिए किसी ने नहीं सोचा था। ये रियासत की जिम्मेदारी थी, ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है। और उनको सड़कों से उठा के अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 5.5 लाख लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर के शेल्टर होम जो पनागा या मेहमान खाना है उससे मुस्तफीद हो चुका है। और आपको ये भी खुशी होगी कि इसमें सिर्फ पैसा नहीं लगा, नीयत थी इमरान खान की। आज पाकिस्तान के अंदर पनागाओं की तादाद है 200 पनागाह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बन चुकी है। मतलब ये कि जो भी बड़े शहर के अंदर मेरा पाकिस्तानी आता है रोजगार की तलाश में, वो या तो अपनी दिहाड़ी कर सकता है, अपनी नौकरी ढूंढ सकता है। उनके दिन की कमाई कितनी होती है कि वो किसी शहर में होटल का कमरा अपने लिए ले लेगा या अपने लिए कोई खाने का इंतजाम कर लेगा। मैंने बहुत लोगों को सुना, वो कहते हैं कि इमरान खान ने यहाँ पे लंगरखाने तामीर कर लिए, यहाँ पे पनागाहें बनाई। मेरे पाकिस्तानियों में इसके ऊपर इसलिए बात करता हूं कि ये मेरे दिल के करीब है। उन लोगों का कभी हमने सोचा नहीं था। उन लोगों से पूछे जो दो वक्त का खाना वो एफोर्ड ही नहीं कर सकते, उन लोगों से पूछे जो पाकिस्तान के अंदर भूखा पेट सोते थे, उनके लिए इस प्रोग्राम का आगाज कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कामयाबी से जारी और 200 पनागाहें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है। और उसके साथ साथ एक और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अहकाम जारी किए थे सूबाई हुकूमतों को। और आपको ये भी खुशी होगी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन उसके अंदर इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है कि सड़कों के ऊपर जो हमारे पुलिस एहलकार रात को जो मोबाइल उनकी वहां पे अपनी ड्यूटी देते हैं, अगर सड़क पे वो किसी को देखे तो रियासत खुद उसको अपने सीने से लगा के आती है और उसको जगह प्रोवाइड करती है। ये भी एक काम शुरू हो गया। दूसरी चीज सियात इंसाफ कार्ड, हमारे यहाँ पे NHA के मुलाजिमीन भी बैठे हैं, उनके लिए भी खुशी की बात है और कल भी कैबिनेट के अंदर डिस्कस हुआ था। इस वक्त एक साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर 5.7 मिलियन खानदानों को सियात इंसाफ कार्ड प्रोवाइड किया जा चुका है। सियात इंसाफ कार्ड मतलब कि एक खानदान अल्लाह न करे कोई वहाँ पे बीमार हो जाए तो एक बंदा जिसके पास सेहत इंसाफ कार्ड है उसकी फैमिली 7,20,000 तक मुफ्त और बेहतरीन इलाज हासिल कर सकती है, न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि उस सूबे के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी आप जाके 7,20,000 तक मुफ्त और बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जब पहली मरतबा हमारी हुकूमत बनी थी वहां से इसका आगाज किया था और 60% खैबर पख्तूनख्वा की आबादी को हमने ये कार्ड पहुंचा दिया था। फिर कबायली अजला जब जम हो गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो शनाख्ती कार्ड जिसके पास भी कबायली अजला का होगा, मतलब 100% कबायली अजला के शहरियों को ये सियात इंसाफ कार्ड दिया गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी KP के अलावा 5.7 मिलियन खानदानों को ये कार्ड मुहैया किया जा चुका है। और सिंध के अंदर इस वक्त रुकावट है, मैं मीडिया के थ्रू सिंध हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि आप लोगों ने तो देखा कि कुत्तों के काटने के वाकयात सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सिंध और खुसूसन लड़काना को आपने कुत्तों के रहम करम पे छोड़ा हुआ है, लेकिन अगर वहाँ पे हम सेहत इंसाफ कार्ड मुहैया कर रहे हैं तो आप किस चीज़ की वजह से इसको रोक रहे हैं? आप इसमें पार्टिसिपेट करें, सिंध के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आपसे तो वहाँ पर कुत्ते जो है वो काबू में नहीं आ रहे। पूरे सिंध के अंदर देखे कुत्तों के काटने के वाकयात, बल्कि खुसूसन लड़काना को देखे कुत्तों के रहम करम पे छोड़ दिया है। तो हमने 7,20,000 तक एक सियात इंसाफ कार्ड मुहैया कर रहे हैं। उनको सुना है कि नाम के ऊपर एतराज है, कोई शर्म करे। यहाँ पे लोगों को हम कार्ड देना चाहते हैं, मुफ्त और बेहतरीन इलाज देना चाहते हैं, आप इसमें रुकावट ना बने, एक तो ये चीज। तीसरे, हमारा एहसास कफालत प्रोग्राम 20 के बाद शुरू है, प्राइम मिनिस्टर साहब उसके इनॉग्रेट करेंगे। इसका मतलब ये कि बेवा खवातीन
हमारे जो बुजुर्ग शहरी, हमारे जो यतीम बच्चे, उनकी कफालत की जिम्मेदारी रियासत ने उठानी है। 20 के बाद इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का आगाज होगा और हमने इसको भी कामयाब बनाना है। मेरे पाकिस्तानियों, आज के इवेंट में इन बातों का मकसद क्या है, आप सबके सामने के 2019 एक मुश्किल साल था। मुश्किल साल क्यों था कि अगर आपने हुकूमत संभाली और पहले साल कर्जदार आपके दरवाजे पे खड़ा होके आपसे $11 बिलियन उनके कर्जों की सूद कीमत में आपने अदा करने, मतलब पाकिस्तान का 1600 अरब रुपया आपने पहले साल कर्जदार को देना है, नहीं दोगे तो तमाम इदारे तो आपके खसारे या गिरवी रखे हैं। आपने कहा मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, पहले साल वो 1600 अरब रुपया हमने वापस कर दिए। मुल्क की माशी बदहाली जो थी, मईशत को ICOC निकाल के हमने एक दुरुस्त समत दे दी। अब साल है इस मईशत जो बेहतर मईशत है, मूडीज की रिपोर्ट आ चुकी, IMF की रिपोर्ट आ चुकी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ चुकी, एक्सपोर्ट आपके बढ़ने लगे, ट्रेड डिफिसिट आपका कम होने लगा, करंट अकाउंट डिफिसिट से आप करंट अकाउंट सरप्लस पे आ गए, इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर आने लगी। अब इसके समरात हमने अवाम तक पहुंचाने हैं और अवाम के लिए ये एहसास प्रोग्राम और उसके साथ साथ जो बाकी हमारा मिडिल क्लास तबका है उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करने के लिए 2020 पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान की खुशहाली का, पाकिस्तान के इदारों की मजबूती का, पाकिस्तान के नौजवानों के रोज़गार का, पाकिस्तान के नौजवानों को महंगाई की दलदल से आज़ाद करने का और पाकिस्तान को एक सही मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाने का साल है। इस साल को इंशाल्लाह हम इस तरह कोशिश करनी है। दो इदारों की जिम्मेदारी हमारे पास थी, हमने पोटेंशियल देख लिया कि पाकिस्तान पोस्ट में और NHA के अंदर जो पोटेंशियल मुल्क के अंदर है, इन ऑफिसर्स के अंदर है, मुल्क के इदारों के अंदर है, उसका कोई अफसोस की बात यह है कि किस तरह ये इदारे खसारे में चले गए थे। हमने इन इदारों को उठाना है और उठा रहे हैं। इसकी मिसाल पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान पोस्ट, PIA, ये तमाम इदारे के जो कितना खसारे में थे और आज किस तरह तरक्की की राह पे गामजन है। तो इंशाल्लाह हमने इसी तरह ये जिस तरह के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, मैं नेशनल बैंक एक मरतबा फिर और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसमें तो हमने हिस्सा डालना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बड़ा विजन है कि मुल्क को हमने सही मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाना है, हम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी लीडरशिप को, अपने पाकिस्तानी कौम को ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हम अपने इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को और इनके लोगों की खुशी और खुशहाली के लिए कोई कमी नहीं बरतेंगे। हम दिलो जान से इसके लिए काम करते रहेंगे और दो इदारों में तो हमने चीज़ें देखी, इंशाल्लाह अब इसके समरात आवाम तक पहुंचाने हैं और इंशाल्लाह 2020 जो है वो पाकिस्तान में रोज़गार का, पाकिस्तान में तरक्की का, पाकिस्तान में कारखाने लगने का, दो तीन चीज़ें जो और हो गई, आपको पता होगा कि कार के जो तनाजिया था पाकिस्तान का कि $1.2 बिलियन पाकिस्तान को अदा करने थे जो कि पिछली हुकूमतों का एक कसूर था। इमरान खान ने की कोशिशों की वजह से उर्दगान का उसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेके $1.2 बिलियन पाकिस्तान को वो मुआफ़ हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे मुश्किलात में थे, 4000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो जेलों से रिहा हो गए। तो ये सारी अचीवमेंट्स है, ये जो इमरान खान की कोशिशें थी वो तो हमारे सामने नज़र आ रही है कि चाहे वो पनागा था, चाहे वो एहसास था, चाहे वो कामयाब जवान था, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी था, उनमें तो चीज़ें थी। अब इसका सही मानों में अवाम तक ये रिलीफ पहुंचाना है, अवाम के लिए आसानियां पैदा करनी है, अवाम के लिए हमने जो मुश्किल वक्त था उससे निकाल के उनके उन चीज़ों के सम्राट पहुँचाने हैं। तो 2020 में अपने मीडिया के थ्रू अपने पाकिस्तानी कौम को कहता हूँ कि यही 2020 जो है वही साल है और इंशाल्लाह इसमें आप खुशहाली देखेंगे, रोज़गार देखेंगे, तरक्की देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।